गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज आपके लिए ये एक स्पेशल सेशन लेकर आया हूँ, एक ज़रूरी न्यूज़ रिगार्डिंग बैंक रिक्रूटमेंट हमें पता चली है, वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने विंडो पे, गूगल मैंने ओपन कर रखी है और उसमें एक कोऑपरेटिव बैंक का नाम दिया है या टाइप कर रखा है और बैंक का नाम है नागपुर नागरिक सहकारी बैंक। ये कोऑपरेटिव बैंक है, महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है, जिसके ऑपरेशंस मध्य प्रदेश में भी आपको मिलेंगे, कुछ छत्तीसगढ़ के भी कुछ एरियाज़ में मिलेंगे और मेनली महाराष्ट्र में बेस्ड है ये बैंक। और इन्होंने अभी अभी अपने बैंक क्लर्क के रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस जारी किया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने दिया नहीं है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या रहेगा। कुछ नहीं करना है इस पर, आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले तो क्लिक करते ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको खुल जाएगी, वहाँ पर बिल्कुल राइट में आपको मिलेगा करियर्स। करियर्स में दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके लिए ज़रूरी है और दूसरा है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अपॉइंटमेंट। तो इस पे जैसे ही सेकेंड लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा और एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह है। देखिए, नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट इन क्लेरिकल ग्रेड, टोटल 50 पोस्ट के लिए, टोटल 50 पोस्ट के लिए। पोस्ट कम है पर बहुत कम लोगों को पता भी रहेगा, तो स्पेशली जो हमारे मराठी जो स्टूडेंट्स हैं, महाराष्ट्र बेस्ड जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। वेटिंग लिस्ट वैलिडिटी फॉर 12 मंथ्स, जो वेटिंग लिस्ट निकलेगी उसकी वैलिडिटी 12 मंथ्स रहेगी। क्वालिफिकेशंस क्या है, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50%, मतलब ग्रेजुएशन में 50% मिनिमम आपके आने चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी है तो 45% भी चलेगा। कंप्यूटर नॉलेज इज असेंशियल, मतलब बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ऐसे नहीं कोई बहुत बड़ी डिग्री की ज़रूरत है इसमें। मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, 28 ईयर्स एज ऑन 1 अक्टूबर 2019 एंड 33 ईयर्स फॉर SC एंड ST। एलिजिबल कैंडिडेट्स में सबमिट एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बिफोर 30 अक्टूबर 2019। तो जो मैंने आपको दूसरा लिंक जो दिखाया था ना, वो उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट का था, वो एप्लीकेशन फॉर्म जो था उसी का फॉर्मेट था, वो जो आपको 30 अक्टूबर से पहले पहले भेजना है, जो इनका हेड ऑफिस है, जो इन्होंने नीचे एड्रेस दिया है वहाँ पर। अब क्या क्या, एंट्रेंस एग्जाम फी क्या है, ₹500 और 250 है SC ST के लिए। एंट्रेंस फीस टू बी पेड बाई ए डिमांड ड्राफ्ट। अब ये एंट्रेंस फी कैसे भेजी जाएगी, ऑनलाइन नहीं है, कोई तरीका चेक का भी नहीं है, DD से आपको भेजना है डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड नागपुर, अच्छे से नाम देख लीजिएगा, और इसकी DD आपको भेजनी पड़ेगी इन फेवर ऑफ नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड नागपुर, ठीक है। अब एप्लीकेशन एड्रेस टू, ये एप्लीकेशन जो आप भरने वाले हैं, जो फॉर्मेट में जो एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे वो किसको भेजेंगे, कहाँ पर भेजेंगे, विल बी एड्रेस टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, 79 वर्धमान नगर, डॉक्टर अम्बेडकर सर्कल, सेंट्रल एवेन्यू, नागपुर 44008, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात है, नो डॉक्यूमेंट शुड बी इंक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं डालना, बस तभी डालना है अगर आप SC ST कैंडिडेट से SC ST कैंडिडेट हैं, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट का कॉपी जरूर डालोगे, पर बाकी जितने भी जनरल कैंडिडेट्स OBC कैंडिडेट्स हैं उनको कोई डॉक्यूमेंट डालना नहीं है, याद रखिएगा। अब टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं एक बार जल्दी से देख लीजिए। द सिलेक्शन विल बी थ्रू द रिटर्न टेस्ट, आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा और रिटर्न टेस्ट के बाद एंड सब्सिक्वेंट पर्सनल इंटरव्यू, रिटर्न के बाद उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम में सिर्फ इंटरव्यू नहीं, एक कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट भी रहेगा आपका कंप्यूटर नॉलेज चेक करने के लिए, ठीक है। मेयर एलिजिबिलिटी डजंट कन्फर्म ऑन द कैंडिडेट एनी राइट टू बी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। द स्क्रूटिनिटी ऑफ डॉक्यूमेंट शिल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, इफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड इनएलिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट शी विल बी डिबार्ड फ्रॉम फर्दर प्रोसेस, इन केस इनएलिजिबल कैंडिडेट अप्लाइज फॉर द पोस्ट द इन्फॉर्म विल बी रिफंडेड विल नॉट बी शैल नॉट बी रिफंडेड, ठीक है। कैंडिडेट्स हैव टू अपियर फॉर रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू एट द वेन्यू एट हिस और हर ऑन कोर्स, ठीक है। शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द रिटर्न टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। वही बोला जा रहा है कि आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट के बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी इंटरव्यू के लिए, फिर इंटरव्यू का, और उसके बाद इन टोटल आपका फिर, और जब रिटर्न होगा सॉरी जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के साथ एक कंप्यूटर से लिटरेसी टेस्ट भी रखा जाएगा। कैंडिडेट्स फाइनल सेलेक्टेड शैल हैव टू वर्क इन प्लेस एग्जिस्टिंग और मे बी ओपन इन फ्यूचर, कैनवेसिंग एनी फॉर्म शैल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफिकेशन, प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी डाउनलोडेड फ्रॉम द बैंक्स वेबसाइट। अब एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ से डाउनलोड करनी है आपको, बैंक्स के वेबसाइट से। तो एक बार हम एप्लीकेशन फॉर्मेट भी देख लेते हैं जल्दी से, ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको डाउनलोड करना है, ये पूरा पूरा डाउनलोड करके आपका नाम,
यहाँ पे आपकी फोटो लगेगी, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, ईयर ऑफ पासिंग, क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्टेंड, सारी जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ लिखनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अब जो आप डीडी भेजने वाले हैं उसकी नंबर, डेट, अमाउंट, नेम ऑफ द बैंक, इन केस अगर आप एससी एसटी सर्टिफिकेट हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ भेजना पड़ेगा। यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर जिस डेट को आप भेज रहे हैं वो, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, टू कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज पेस्ट वन अबव, एक तो आपको इसके ऊपर चिपकानी है और एक फॉर्म के साथ अटैच करके भेज दीजिएगा, एक तो आप ऊपर चिपका देंगे, एक इसके फॉर्म के साथ ही आप भेजेंगे। नो डॉक्यूमेंट शुड बी इनक्लोज विद द एप्लीकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट टू बी इनक्लोज फॉर एस सी एस टी, हार्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड डी डी टू बी सबमिटेड एट एड्रेस मैंशनड बिलो, इस एड्रेस पे आपको हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म और डी डी की आपको कॉपी कहाँ भेजनी है, नीचे दिए गए एड्रेस में भेजनी है, डी डी और हार्ड कॉपी ऑफ इन दोनों की निकालेंगे, निकाल के डी डी की कॉपी, नंबर तो यहाँ पर डालेंगे, डी डी की कॉपी प्लस ये जो निकालेंगे इसकी प्लस आपकी फ़ोटो भी इसके साथ, एक फ़ोटो तो चिपकाओगे, एक फ़ोटो अटैच करके डालोगे अगर एस सी एस टी कैंडिडेट, तो एक चीज़ और है आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी साथ में लगा के देना, और लास्ट डेट आपकी 30 अक्टूबर है, तो ये सारी काम आपको 30 अक्टूबर से पहले करने हैं, क्लैरिकल कैंडिडेट, क्लैरिकल पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। तो जितने भी हमारे मराठी स्टूडेंट्स हैं, बाकी और भी मध्य प्रदेश में भी इनकी ब्रांच है, छत्तीसगढ़ में भी इनकी ब्रांच है, तो और भी आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।